दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की टीम को बुरी तरह से हराने के बाद अब टीम इंडिया अपने आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड की टीम से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसी को लेकर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस प्लेइंग 11 में टीम इंडिया में 3 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जिसको देखकर नीदरलैंड की टीम ने मैच शुरू होने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि भारत और नीदरलैंड के बीच आखिरी मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप यह बता सकते हैं कि इस मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल में से सबसे अधिक रन कौन बनाएगा तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपने सभी 8 मुकाबले जीतकर नवा मुकाबला नीदरलैंड से खेलने के लिए तैयार है, जो कि 12 नवंबर को बेंगलोर के एन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। इसी को लेकर दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं भारतीय टीम के हेड कोच ने इस महामुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है, क्योंकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी तथा बॉलिंग इस समय वर्ल्ड कप में बेहद ही खतरनाक फॉर्म में चल रही है, तो वहीं इस महामुकाबले में इसीलिए राहुल द्रविड़ टीम में एक बड़े बदलाव के साथ कर रहे हैं, तो वहीं नीदरलैंड की टीम के लिए भी यह मुकाबला काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि नीदरलैंड की टीम पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, इसलिए उसे अपनी लाज बचाने के लिए अहम मैच हर हाल में जीतना होगा। लेकिन भारतीय टीम जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह से अजय रही है, तो किसी भी टीम के लिए इस महामुकाबले में हराना बेहद ही नामुमकिन होगा, क्योंकि नीदरलैंड हालांकि इस वर्ल्ड कप में बड़ा अलर्ट फेल कर सकती है, लेकिन भारतीय टीम के लिए किसी भी टीम नहीं हरा सकती है, क्योंकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी और बॉलिंग काफ़ी खतरनाक फॉर्म में चल रही है। जिस तरह से टीम के बल्लेबाज विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और टीम के कप्तान लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बॉलिंग में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा काफ़ी खतरनाक फॉर्म है, क्योंकि जिस तरह से इन चारों पांचों गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की और मात्र साउथ अफ्रीका की टीम जो इस तरह वर्ल्ड कप में पूरी तरह से बल्लेबाजी पर डिपेंड रही है, वह मात्र 88 रन बनाकर पूरी तरह से ऑल आउट हो गई थी, जो भारतीय टीम के लिए एक अच्छी न्यूज है। तो भाई इस महामुकाबले को लेकर नीदरलैंड की टीम के कप्तान पूरी तरह से आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और उन्होंने मैच से पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम इस महामुकाबले में बड़ा उलट फिर करने की इरादे से उतरने वाले हैं। तो भाई राहुल द्रविड़ इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कई बदलाव कर सकती हैं, जहां पर इस महामुकाबले के लिए टीम के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा, तो भाई बेंच पर बैठी टीम के खिलाड़ियों को आजमाने का सुनहरा मौका होगा, क्योंकि अभी तक ईशांत किशन और रविचंद्र अश्विन ने मात्र एक ही मुकाबला खेला है, इसलिए उन्हें इस महामुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है और इस महामुकाबले के लिए जो लगातार मैच खेल रहे हैं उनके लिए इस मैच में आराम देने पर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ विचार कर सकते हैं। हालांकि भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन भी खराब हो सकता है, देखना होगा कि अब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा किस खिलाड़ी को इस मैच में मौका देते हैं। तो भाई राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इस प्लेइंग 11 के साथ नीदरलैंड की टीम को हराने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं, जहाँ पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी टीम के कप्तान रोहित शर्मा और एक बार फिर से शुभमन गिल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जिस तरह से रोहित शर्मा भारतीय टीम को लगातार ताबड़तोड़ शुरुआत दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी और उन्होंने उस मुकाबले में 40 रन बनाए थे। तो वहीं इस महामुकाबले से पहले ही रोहित शर्मा लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी तक वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए तथा 1 शतक के साथ वह 450 से अधिक रन बना चुके हैं। तो वहीं शुभमन गिल भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दोनों मैचों में धमाकेदार वापसी की है और भारतीय टीम के लिए जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहीं 3 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास विराट कोहली जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली का इस वर्ल्ड कप में
बल्ला चलाए रोहित शर्मा के लिए उम्मीद है कि वह अगर ऐसा ही बल्ला चलाती रहे तो भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि विराट कोहली ने अभी तक वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले हैं जिनमें उन्होंने 4 अर्धशतक तथा 2 शतक के साथ वह 550 से अधिक रन बना चुकी हैं। तो वही 4 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक बार फिर से श्रेयस अय्यर इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर लगातार वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने पिछले दोनों मुकाबलों में शानदार 70 रन से अधिक की पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए बड़े मुकाबले से पहले ही अपनी फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए। तो वहीं 5 नंबर के लिए भारतीय टीम की एक समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरह से वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी उस तरह से अब वह बल्ला नहीं चला पा रहे हैं और पिछले 4 मैचों में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, इसलिए रोहित शर्मा इस महामुकाबले में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। उनकी जगह इस मैच में ईशांत किशन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल सकता है। तो वहीं 6 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वह पिछले 2 मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, लेकिन भारतीय टीम में बल्लेबाजों की कमी होने के कारण उनकी इस नंबर पर जगह पक्की मानी जा रही है। तो वहीं 7 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास रविंद्र जडेजा मौजूद है, क्योंकि रविंद्र जडेजा अब वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने बल्लेबाजी से धमाकेदार प्रदर्शन किया, तो वहीं गेंदबाजी से और भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए उस महामुकाबले में उन्होंने 5 विकेट लेकर भारतीय टीम को एक तरफा जीत दिलाई दी, क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 8 मैचों में 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं 8 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास कुलदीप यादव जैसे धाकड़ बॉलर मौजूद है, क्योंकि कुलदीप यादव भी लगातार वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वही प्रदर्शन जारी रखा और 2 विकेट अपने नाम किए। तो कुलदीप यादव ने अभी तक वर्ल्ड कप में कुल 8 मुकाबले खेले हैं जिसमें वह 11 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं इस मुकाबले के लिए उनकी जगह हालांकि रविचंद्र अश्विन को मौका मिल सकता है और कुलदीप यादव को रेस्ट दी जा सकती है। तो वहीं 9 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास एक बार फिर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, हालांकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई भी विकेट नहीं लिया, लेकिन उन्हें उस मैच में ज़्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप के 8 मैचों में शानदार गेंदबाजी की है और 15 विकेट अपने नाम किए। तो वहीं 10 नंबर के लिए टीम के पास मोहम्मद सिराज जैसे धाकड़ तेज गेंदबाज मौजूद है, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी लगातार वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप के 8 मुकाबले खेले हैं जिसमें वह 12 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वही 8वीं नंबर के लिए टीम के पास मोहम्मद शमी जैसे धाकड़ तेज गेंदबाज मौजूद है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने जब से भारतीय टीम में गेंदबाजी में वापसी की है तब से टीम इंडिया की बॉलिंग काफ़ी खतरनाक हुई है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने मात्र वर्ल्ड कप में 4 ही मुकाबले खेले हैं जिसमें वह 16 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इसलिए इस प्लेइंग 11 को देखकर नीदरलैंड की टीम पहले ही खौफ खा चुकी है। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ नीदरलैंड की टीम को हराने के लिए मैदान पर उतरेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस प्लेइंग 11 में क्या और बदलाव किए जाने चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।